हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग एसटीआर में। तो आप लोग कैसे हैं? यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। तो कुछ आरएनपी सेंटर के लड़के हैं और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आरएनपी सेंटर से प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट के बारे में हम पूछेंगे कि कैसे और कहाँ से मिला। तो हमें पता चला है कि आरएनपी सेंटर से मिला है और प्रोजेक्ट जो बना है, लड़के छोटे छोटे लड़के हैं, थोड़ा सा इनसे इनके बारे में बात करके कैसे ये प्रेरणा मिली और कहाँ से मिला और कैसे प्रोजेक्ट बनाना चालू किए। तो आइए हम दोस्तों, आप पूछ रहे हैं लड़के से, पहले लड़कों का नाम पूछेंगे कि लड़कों का नाम क्या है, तो आइए। ठीक है, और इनका नाम पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, नाम क्या है? अजीत राजवर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? जिला जिले किस गांव के हो? लाखोपर गांव के। तो भाट परानी और लाखोपर गांव के हैं, जिनका गोरखपुर मंडल में जिला देवरिया पड़ता है और ये लाखोपर के रहने वाले हैं। इनका पोस्ट भाट परानी है। ये छोटा सा बच्चा है, कितने क्लास में पढ़ता हूँ? थर्ड में पढ़ता है। ये थर्ड क्लास में पढ़ता है। तुम कितने क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम है? खड़ी जाओ, उसके नाम रखो। क्या नाम है? निक्की राजभर नाम है। दिक्की राजभर नाम इसका नाम है। और दोनों भाई बहन हो? ये दोनों भाई बहन हैं, सिस्टर और ब्रदर हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे कैसे प्रोजेक्ट कहाँ से मिला है। बताओ प्रोजेक्ट कौन दिया है? कौन दिया है? आर्यन सर। प्रोजेक्ट मैंने आर्यन सर दिए हैं। और किस कोचिंग सेंटर का है? आर्यन कोचिंग सेंटर। आर्यन कोचिंग सेंटर से मिला है प्रोजेक्ट। और कैसे मैंने तुम लोग कैसे कैसे हम बनाएंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे? प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कुछ। चलो हम तो तुम था कितना तो 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 जैसे सुन सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 30 का एक थर्माकोल मिला था। हमको लगता है कि दो या एक दो थर्माकोल लगा होगा। कितने थर्माकोल लगा इसमें? तीन थर्माकोल लगा है। कैसे भी मैनेज करते हैं लड़के, और मैनेज करके कैसे भी ला लेकर आया और घर का देखभाल। इस अजीत से पूछेंगे कि अजीत किस तरह से डिजाइनिंग किया है और कितना मेहनत किया है, इसके बारे में हम पूछेंगे कि इसमें क्या खासियत है। तो बताओ अजीत, इसमें क्या खासियत है, क्या किससे बनाया हो, कैसे, कुछ बताओ इसके बारे में। मैंने सोचा कि तीन घर बना और बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। पार्क बना दूँ और एक पेड़, आम का पेड़ बना दूँ, फिर डाइनिंग टेबल बना दूँ। कहाँ डाइनिंग टेबल है? कहाँ, कौन सा डाइनिंग टेबल है इसमें बताओ, कौन सा डाइनिंग टेबल है? कॉफ़ी वोफी पीने के लिए। ठीक है, कॉफ़ी पीने के लिए डाइनिंग टेबल। और क्या है इसमें? पार्किंग कहाँ है? पार्किंग। अच्छा, पार्किंग है बाइक वाइक लगाने के लिए या कार लगाने के लिए? बहुत बढ़िया। तो ये अपने मैंने ये सोच कर बनाया है कि मैंने जब तो तीन घर में बनाऊंगा और तीन घर में ये निकलेंगे। ये जो ये है, ये द्वार है, यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ सभी लोग क्या करेंगे, नाश्ता पानी जो भी चाय है वो पियेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर है। डाइनिंग टेबल से सजाया गया है ये घर, और ये तीन घर इसमें हैं, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे किसी और प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है।